हेलो फ्रेंड्स मैं दत्ता डेमकर आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है ओम साई ऑटो गैरेज दोस्तों आज मैं इस पुराने टू स्ट्रोक स्प्रे पम्प से डबल मोटर बैटरी स्प्रे पम्प बनाने वाला हूँ दोस्तों इस टू स्ट्रोक स्प्रे पम्प को बनाने के लिए बहुत खर्चा आने वाला था इसलिए हम इसे बैटरी और मोटर लगाकर बैटरी स्प्रे पम्प बना रहे हैं उसके लिए हमें ज़रूरत है डबल मोटर की एक बैटरी की एक पाइप की एक डबल स्विच की एक बैटरी चार्जर कनेक्टर की इन दो क्लिप की और इस पाइप ट्रिगर गन की दोस्तों सबसे पहले हमें ऐसा एक पाइप लेना है जो इस पेट्रोल स्प्रे पम्प का ही पुराना पाइप है उसे हमें यहाँ पर लगाना है उससे पहले उसे हैमर की हेल्प से थोड़ा प्रेस करना है जिसकी वजह से पाइप लूज होकर या ये जी लगेगा उसके बाद पाइप के ऊपर से ये क्लिप लगाकर टाइट करने उसके बाद ये दोनों मोटर हमें इस जगह पर लगाने और उन्हें दोनों साइड से दो स्क्रू लगाकर या फिटिंग कर देना है उसके बाद ये एक छोटी क्लिप पाइप में लगाकर पाइप को जितना लगेगा उतना रखना है और बाकी एक्स्ट्रा पाइप कट कर लेना है और पाइप मोटर को जॉइंट करके ऊपर से एक क्लिप लगाकर क्लिप टाइट करनी है उसके बाद हमें यह बैटरी यहाँ पर लगानी है हमें एक तार लेनी है और एक स्क्रू वॉशर तार में लगाकर इस जगह पर स्क्रू टाइट करना है और उसके बाद ये तार यहाँ पर फिटिंग कर देनी है उसके बाद हमें इस बैटरी चार्जर कनेक्टर के टर्मिनल्स को प्लस माइनस के दो वायर अटैच कर लेने हैं प्लस का जो रेड वायर है वो हमें इस कनेक्टर पर जो एन लिखा है वहाँ पर लगाना है और माइनस का ग्रीन वायर हमें जहाँ पर लिखा है वहाँ पर लगाना है और इस डबल स्विच के इस साइड के दोनों टर्मिनल्स को हमें एक ही माइनस वायर अटैच कर लेना है अब हमें चार्जर कनेक्टर का प्लस वायर और डबल मोटर का प्लस वायर दोनों एक करके बैटरी के प्लस टर्मिनल को अटैच करना है और चार्जर कनेक्टर का माइनस वायर बैटरी के माइनस टर्मिनल को अटैच करना है उसके बाद इस डबल स्विच का माइनस वायर बैटरी के माइनस टर्मिनल्स को लगाना है और इस स्विच के जो बचे हुए दो टर्मिनल्स से उनमें दोनों मोटर के दोनों माइनस वायर लगाने हैं दोस्तों इसकी वायरिंग कंप्लीट हो चुकी है मैं आपको एक बार फिर से बताता हूँ इस टर्मिनल्स के प्लस और माइनस वायर बैटरी में लगाने मोटर का प्लस वायर बैटरी के प्लस टर्मिनल को लगाना तो है दोनों मोटर के दो माइनस वायर इस स्विच में एक साइड से लगाने और स्विच के दूसरी साइड के दोनों टर्मिनल्स को एक ही माइनस वायर लगाकर वो माइनस वायर हमें बैटरी के माइनस टर्मिनल्स को लगाना है उसके बाद इस चार्जिंग सॉकेट को मैंने यहाँ पर दो स्क्रू पर लगा कर इस जगह पर लगाएं और इस स्विच को बैटरी के ऊपर चिपकाया है और इस पंप का जो बचा हुआ पाइप है उसमें दस नंबर का स्क्रू टैप टेप लगा कर यहाँ पर लगा देना है दोस्तों इसके साथ ही हमारा स्प्रे पंप कंप्लीट हो चुका है अब मैं इसे आपको टेस्टिंग करके दिखाता हूँ यह पाइप मैं मोटर में अटैच कर लेता हूँ दोस्तों ये देख सकते हो आप इस प्रे पम्प में बहुत ही बढ़िया प्रेशर आ चुका है दोस्तों मेरा एक कवर से जुगाड़ वीडियो आपको कैसा लगा वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताए वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट ज़रूर कर देना और ऐसे ही जुगाड़ के वीडियो देखने के लिए मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करना थैंक यू फ्रेंड्स